नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा की टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के बारे में बताने वाला हूं। जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका इन पॉलिटेक्निकल के अंदर नंबर पड़ जाता है तो आपको प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी है काफी आसान तरीकों से मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका साल का पैकेज होगा वो 5 लाख से लेकर 10 लाख स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की ऐसी कौन सी टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लेकर आ चुका हूं हरियाणा की टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में आपको एक से लेकर बताने वाला हूं कि कितनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, वैसे तो 26 से ज्यादा पॉलिटेक्निकल है लेकिन यहां पर जितने भी मोस्ट ऑफ द यहां पर पॉलिटेक्निकल का नाम यहां पर आपको दिखाया गया है वेबसाइट पर वो सभी यहां पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। तो सबसे पहले देखिए नंबर वन हम यहां पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले यहां पर आ जाता है आपका नीलोखेड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जो कि जीपी के नाम से जानी जाती है। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल काफी ज्यादा मशहूर है क्योंकि यहां पर दोस्तों मारुति होंडा टाटा जैसी कंपनी यहां पर आती है। तो सबसे पहले यहां पर आपको लिंक भी दिया गया है इस वेबसाइट का, हम यहां पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम जीबीएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो आप यहां पर देखिए देखने में पॉलिटेक्निकल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेसमेंट, पिछले साल कौन कौन सी कंपनी इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में आई थी और कितने बच्चों को यानी कि जॉब लेटर यानी ऑफर दिया था। तो यहां पर हम चलते हैं प्लेसमेंट में और यहां पर हम जाते हैं लिस्ट ऑफ रिक्योरिंग कंपनीज, तो हम यहां पर क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सी कंपनी यहां पर आई हुई है। सबसे पहले दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है रिक्योरिंग कंपनीज ऑफ जीबीएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी, यानी कि कौन कौन सी कंपनी आई थी दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी लिमिटेड गुरुग्राम, गुरुग्राम में जिसका प्लांट है दोस्तों वहां पर मैंने जॉब भी की है क्योंकि दोस्तों मैंने आईटीआई डिप्लोमा आईटीआई और इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल नीलोखेड़ी से की है तो तभी दोस्तों मैं ये सभी जानकारी अपने पास रखता हूं और मैंने मारुति सुजुकी में भी जॉब की है। यहां पर सेकंड जो कंपनी थी वो सैमसंग की भी आई थी, यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से या फिर इलेक्ट्रिकल से अगर आप पॉलिटेक्निकल में एडमिशन लोगे और आप पास आउट कर जाते हो तो सैमसंग एप्पल जैसी कंपनी आपको ले जाएगी यानी कि आपको जॉब प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद देखिए टाटा हिटैची कंपनी आई थी, इज्जत कंपनी आई थी, ठीक है ये सारी कंपनी आप नाम पढ़ सकते हैं। जिंदल स्टील कंपनी है जो कि हिसार की कंपनी है आप सभी को पता है। हीरो कंपनी आई थी जो कि दिल्ली के अंदर भी हीरो की कंपनी है, सबसे बड़ा प्लांट आपका आपको गुरुग्राम में सभी कंपनियों का और दिल्ली में आपको मिलेंगे तो आप ये वन बाय वन आप चेक कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, मैं आपको वन बाय वन आपको दिखा रहा हूं। अगर दोस्तों मैं आपको वीडियो में नाम पढ़ के दिखाऊंगा तो इससे जो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा। देखो दोस्तों कितनी कंपनियां यहां पर आ चुकी हैं, 62 कंपनियां। अब हम चलते हैं सेकंड पॉलिटेक्निकल की तरफ। अब सेकंड जो पॉलिटेक्निकल है वो है आपकी अंबाला जो कि अंबाला सिटी में है। तो यहां पर आपको 2 पॉलिटेक्निकल मिलेंगे अंबाला में जो कि वुमेन ओनली, और आपको जो सी फर्स्ट वाली है ये आपको यहां पर आपको लड़के भी मिलेंगे और लड़के भी मिलेंगे। तो हम यहां पर क्लिक करते हैं और इस पॉलिटेक्निकल की वेबसाइट पर विजिट करते हैं। तो हमने यहां पर विजिट किया तो आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है, जैसे आपको यहां पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल अंबाला सिटी के नाम से आपको दिखाया गया है तो यहां पर आपको काफी सारी फोटो मिलेंगी कॉलेज की और टीचर की, तो आप यहां पर बड़े आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहां पर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी लास्ट ईयर यहां पर आई थी और कितने बच्चों को प्लेसमेंट में यहां पर ले गई थी। तो उसके लिए दोस्तों वही तरीका जैसे हमने आपको पहले बताया था, स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहां पर देखिए प्लेसमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे यहां पर क्लिक करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों तो इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यहां पर आपको लिखा रहेगा प्लेसमेंट, तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट स्टेटस ऑफ लास्ट 4 ईयर यानी कि पिछले 4 सालों का यहां पर स्टेटस दिखाया हुआ है। तो जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो 2016-2019 का यहां पर दिखाया गया है, तो यानी कि ये यहां पर ब्रांच है जैसे कि आर्किटेक्चर, ऑटो, सिविल, ठीक है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, मैकेनिकल, प्लास्टिक, जिन्होंने गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निकल की थी इस ट्रेड से। उसके बाद यहां पर देखिए 60 बच्चों 120 ये क्या है, ये बच्चों ने यहां पर जो यहां पर इस कंपनियों में पार्टिसिपेट किया था और एलिजिबल इंटरेस्ट यानी कितने बच्चे इसमें से लिए गए थे यानी जिनका पेपर पास होता है इंटरव्यू पास होता है उनको ही लिया जाता है दोस्तों यहां पर, वो यहां पर नंबर आपको दिखाया गया है
60 में से 12 लिए और ये देखिए 120 में से 82 लिए, यानी कि मैकेनिकल में 120 में से 92 लिए, काफी ज्यादा मैकेनिकल में से लिए, यानी कि आप ये आइडिया लगा सकते हो मैकेनिकल की डिमांड काफी अच्छी है। नंबर ऑफ ऑफर, यानी कि ऑफर भी यहाँ पर दिए गए थे, जिनको अच्छा ऑफर मिला था वो कितने स्टूडेंट थे ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नंबर ऑफ कंपनी विजिट 2016 में 2019 में, यानी कि आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही कंपनी आई थी और आप देख सकते हैं कंप्यूटर में 3 आई थी और मैकेनिकल में 11 कंपनी ने इस आईटी में विजिट किया था और बच्चों को ले गई थी। ऑफर लेटर यानी प्रोवाइड किया थे। प्लेसमेंट यहाँ पर देख सकते हैं कितने परसेंट का यहाँ पर प्लेसमेंट रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 60 बच्चों में से 28 बच्चे पास हुए थे और 28 बच्चों को यहाँ पर ऑफर दिया था कि आप हमारे कंपनी में, यानी कि उनको जॉब जो लेटर दिया था कि आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, यानी ये 100% यहाँ पर प्लेसमेंट गई थी 2017 से 2020 का आप देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल की तरफ। अब थर्ड जो पॉलिटेक्निकल है वो है आपके फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटेक्निकल है जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन फरीदाबाद। तो दोस्तों इस पर आप जाकर देख सकते हैं और इस साइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सभी पॉलिटेक्निकल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और प्लेसमेंट में देख सकते हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये फरीदाबाद में पॉलिटेक्निकल है जो कि दिल्ली के टच में है और गुड़गांव के टच में, क्योंकि दोस्तों वो सारा NCR एरिया है, तो वहां पर आपकी कंपनी एक से कंपनी आती है क्योंकि काफी लड़कियां जो है पॉलिटेक्निकल भी करती है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे पलवल। पलवल आपका यहां पर मिलेगा 16 नंबर पर। पलवल में यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है मंडखोला में, तो यहां पर आप विजिट कर सकते हैं और ये पॉलिटेक्निकल काफी अच्छी, यहां से भी काफी ज्यादा प्लेसमेंट होती है कि दोस्तों ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है। उसके बाद आती है फिफ्थ नंबर पर सोनीपत और पानीपत। सोनीपत जो आपकी है वो है 24 नंबर पर ये रही, और आपकी जो पानीपत वाली पॉलिटेक्निकल है वो आपकी 20 नंबर पर पानीपत वाली। देखिए यहां पर लिखा है पॉलिटेक्निकल जट्टाल में पड़ती है और सिरसा वाली पॉलिटेक्निकल सिरसा के अंदर पड़ती है। और दोस्तों इन दो पॉलिटेक्निकल जो कि दिल्ली के टच में है, यानी कि हरियाणा के अंदर पड़ती है और दिल्ली से लगभग, यानी दिल्ली NCR से लगभग, यानी कि 180 किलोमीटर दूरी पर है, और कंपनियां यहां पर आती हैं और दिल्ली में जितनी भी NCR में कंपनियां हैं, चाहे वो छोटी हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हैं, चाहे वो नेशनल हैं, सभी यहां से स्टूडेंट को प्लेसमेंट के थ्रू यहां पर से नौकरी प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद चलते हैं सिक्स नंबर पर कुरुक्षेत्रा। तो यहां पर कुरुक्षेत्रा जो है वो 11 नंबर पर है। तो सिक्स नंबर मैंने आपको बताई है कुरुक्षेत्रा, जो कि उमरी के अंदर पॉलिटेक्निकल है। ये जो पॉलिटेक्निकल है अभी 2-3 सालों से नहीं यहां पर ओपन हुई है और इस पॉलिटेक्निकल के बारे में काफी बच्चों को नहीं पता था। पिछले साल यानी कि मैं दो साल पहले की बात कर रहा हूँ, काफी बच्चों की जिनकी कम परसेंटेज थी तो उनका इस पॉलिटेक्निकल में नंबर पड़ा था, काफी अच्छी ट्रेड मिली थी, तो ये याद आप रखना दोस्तों। और इस पॉलिटेक्निकल में भी काफी कंपनी आई थी और काफी बच्चों को जो प्रोवाइड करवाई थी। उसके बाद आता है सेवंथ नंबर पर यमुनानगर। तो यमुनानगर आपका 26 नंबर पे। तो ये रही यहाँ पर यमुनानगर में दो पॉलिटेक्निकल हैं जैसे आप देख रहे हैं, और दोनों ही पॉलिटेक्निकल काफी बेस्ट है कि दोस्तों यमुनानगर के अंदर भी NCR एरिया है, वहां पर भी काफी सारी कंपनी आपको इज्जत जैसी कंपनी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी और आज की डेट में काफी सारी कंपनियों का वहां पर प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद आता है एट नंबर पर महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ आपका है 12 नंबर पर। तो ये भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है जो कि नारनौल में पड़ती है, ये भी काफी अच्छी पॉलिटेक्निकल है, यहां से भी कंपनी काफी बच्चों को प्लेसमेंट के थ्रू उठाती है। और दोस्तों ये जो एरिया है, ये दोस्तों महेंद्रगढ़ जो है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये दिल्ली से लगभग गुड़गांव से लगभग 100 किलोमीटर पर है। तो आप आइडिया लगा सकते हो जितने भी दिल्ली NCR में और गुड़गांव NCR में कंपनी है तो यहां पर वो आती है और बच्चों को जॉब प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद नाइन्थ नंबर पर आपका पंचकुला, जो कि 17, 18, 19 पर आप इसका आपको मिलेगा पंचकुला, जहां पर आपको 3 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल मिलेंगे आपको अगर आपका नंबर सेक्टर 26 पंचकुला में पड़ जाता है, तो काफी बेस्ट है। वैसे ही दोस्तों ये सारी बेस्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, पंचकुला के अंदर 3 पॉलिटेक्निकल मिलेंगी। और इस पॉलिटेक्निकल के अंदर देखिए दोस्तों, आपको पता है मोहाली जो है पंजाब में पड़ता है, और पंजाब के अंदर मोहाली जो है एक NCR एरिया कंपनी का एरिया है, और वहां पर आपको स्वराज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा आपको दवाइयां वाली सन फार्मा कंपनी, काफी सारी कंपनियां है, एक इंडस्ट्री एरिया है मोहाली, तो ये उसी की जड़ में पड़ता है। तो यहां से अगर आप पॉलिटेक्निकल करोगे तो आपको दवाइयां वाली जो कंपनियां हैं वहां पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सभी की जरूरत होती है दोस्तों, आप सभी को पता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी हायर पढ़ाई है तो वहां पर और काम भी आपको मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आपको अगर पॉलिटेक्निकल में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी अच्छी कंपनी प्लेसमेंट होगी।
उसके बाद लास्ट में 10 की बात करूंगा 10 नंबर पॉलिटेक्निकल में, तो वो है आपकी रेवाड़ी। रेवाड़ी आपकी पड़ती है दोस्तों 21 नंबर पर, तो यानी कि रेवाड़ी गोरविंद पॉलिटेक्निकल है दोस्तों। और दोस्तों ये 85 किलोमीटर है गुड़गांव और दिल्ली से, तो इससे भी आप पॉलिटेक्निकल कर सकते हो। अगर इसके आसपास जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उसको लगता है कि मुझे इस पॉलिटेक्निकल से करने में आसानी रहेगी, यानी कि यहाँ पर मैं एडमिशन लूंगा तो यहाँ से मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास हो सकता हूँ दोस्तों, इससे भी आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से पॉलिटेक्निकल में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर भी दोस्तों दिल्ली वाली जितनी भी आंसर कंपनी है तो यहाँ पर वो प्लेस यहाँ पर वो आती है, विजिट करती है और यहाँ से भी बच्चों को उठाकर ले जाती है। तो दोस्तों ये सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं जो कि हमने आपको बताई है। अगर आपको इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में एडमिशन मिल जाता है तो आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में होगी और आपको साल का पैकेज भी काफी अच्छा मिलेगा। और दोस्तों आपको ये जानना है कि अगर आपको इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में अगर आपको एडमिशन चाहिए क्या बेस्ट तरीका है, यानी कि अगर आपके 65 से लेकर 80% के बीच में नंबर है, चाहे आप 10th में है या फिर आप 12th में है, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। इस चीज पर दोस्तों हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई है कि आपको किस प्रकार आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आपको एडमिशन के टाइम कौन कौन से आपको पॉलिटेक्निकल कॉलेज आपको फिलअप करने हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि आपको एडमिशन मिल जाए आपकी चॉइस के पॉलिटेक्निकल के हिसाब से। तो इस पीडीएफ की फाइल की हमने ₹149 आपकी फीस रखी लाइफ टाइम के लिए, और आप इस नंबर पर फोन पे गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे आप फोन पे या फिर गूगल पे कर देंगे तो आप हमें उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसको दूसरे फोन में फोटो खींचकर आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, और जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो हम वेरीफाई करेंगे और आपको पीडीएफ फाइल आपको दे देंगे। हमने आपको इसमें बिल्कुल हिंदी में समझाया है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है और किस प्रकार आपको आपकी मनपसंद पॉलिटेक्निकल में आपको एडमिशन मिलेगा, क्या क्या जानकारी आपको रखनी पड़ेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ये सभी जानकारी ए टू जेड हमने इसके अलावा और भी काफी कुछ बताया है। तो जाइए ₹149 आप पे करिए, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों आप 399 का 500 का 1000 रुपए का महीने का मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हो, लेकिन ये पैसा आपके कैरियर के लिए है ताकि आप अपना कैरियर पर ये छोटा सा अमाउंट लगाकर आप अच्छी पॉलिटेक्निकल में आप एडमिशन आपको मिल सकता है। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना जिनको पॉलिटेक्निकल करना है, क्योंकि अभी दोस्तों आपका जो रिजल्ट नहीं आया है और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक्स फॉर